गडकरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा ऑनर है कि हम अपने इस ग्लोबल समिट की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आपको एक चीज बताना चाहेंगे। शायद एक चीज आपको पता ना हो, वो ये है कि आपके बगल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से आप इस चीज को एक्नॉलेज कर सकते हैं। कभी आपने सोचा था कि इस देश में जब बातें होती थी कि सड़कें कैसी होंगी, तो वहां पर इस देश में 5 दिन के अंदर 75 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, अमरावती से अकोला। गडकरी जी, सबसे पहले तो एक चीज है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉकडाउन, लेबर मूवमेंट चल रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जान बचाएं या अपनों को बचाएं, क्या करें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर वाली सड़क अब 40 किलोमीटर तक चली गई। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो वो कहां 91,000 किलोमीटर और कहां 1.5 लाख के पास। वो मैजिक फॉर्मूला क्या है गडकरी साहब का, जो गडकरी जी लाते हैं, जिससे कि काम चलता रहता है, पेमेंट भी टाइम पर होता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी टाइम पर पे होते हैं, होता क्या है वो? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका श्रेय केवल मुझे नहीं है। मैं बहुत बचपन में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिला था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वेयर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वेयर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वेयर, इसका जवाब आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दैट्स ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और इसलिए इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स सभी रात दिन काम करते हैं, मैं उनके पीछे खड़े रहता हूँ, और सबके परिश्रम और मेहनत के कारण, टीम वर्क के कारण ये काम होता है। अगर ये श्रेय है तो मुझे अकेले को नहीं है, काम करने वाले उन लाखों लोगों को है जिनके कारण ये काम हो सके। आप थोड़ी देर पहले मुझे इनोवेशन की बात बता रहे थे, हम आपसे बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी उस अमरावती स्ट्रेच पर गए, बताया कि हल्दर के पेड़ लगाए जिससे कि चिड़िया घोंसला बना सके, सड़क किनारे पॉन्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। इनोवेशन के लिहाज से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में सर। मैं विशेष रूप से आपसे चैनल के मुख्य संपादक को और आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मेरा फोटो और मेरी बात मत छापिए, पर ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको थोड़ा आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु यहाँ लेके जाइए। ये जो रोड की आपने बात की, इसी रोड पर अकोला लगता है, और अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, और वहाँ अकोला के उसके पहले बोरगांव मंजू गांव लगता है, वहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जगह है। तो ये रोड बनाते समय हमने एक बहुत बड़ी बात की है जो ऐतिहासिक है। इस रोड के लिए जो मिट्टी लग रही थी, तो हमारे पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी जो थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके पास 8,500 एकड़ ज़मीन थी, पर पानी नहीं था। आपको पता होगा कि देश में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स, किसानों की आत्महत्या, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाल और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यहाँ पानी की समस्या है। तो मैंने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रोड के लिए मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगती है, तो मैं नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण करके दूंगा, और जहाँ चाहिए वहाँ लेक बना के दूंगा अपने पैसे से, फ्री ऑफ चार्ज, और उसमें पानी स्टोर होगा और आपकी पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप जाइए। मैंने 36 तालाब बने हैं और उस तालाब में पानी है, और उसकी मिट्टी निकालकर रोड में यूज़ की, नदी नालों का खोलीकरण किया, और इन 36 तालाबों के कारण 10,000 एकड़ जमीनों का सिंचन हुआ, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, जो एक घंटा चलते थे वो 24 घंटे चलने लगे, और करीब 68 गाँवों का पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक पैसा न खर्चा करते हुए। हमारे यहाँ कहावत है, आम के आम, गुठली के दाम। तो ये एक पैसा खर्चा, फिर हमने बुलढाणा में, आपने अजिंठा मालूम होगा, अजिंठा से बुलढाणा 15,000 लोग जो भेड़ बकरी संभालते थे, धनगर समाज के, वो माइग्रेट होते थे। पूरे रोड को हमने वाटर कंजर्वेशन में, नदी नालों का खोलीकरण किया, तालाब बनाए, अब कोई नहीं जाता, गाँवों को पानी मिला, करीब हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, कुएं रिचार्ज हुए, वहाँ ग्रीनरी आई, और वहाँ का सूखा समाप्त हुआ, और एक पैसा खर्चा ना करते हुए। अब रेलवे काम कर रही है, रोड काम कर रही है, सब जगह मिट्टी लगती है,
तो क्यों नहीं हम ये प्रयोग पूरे नीति आयोग को भी मैंने दिया, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है, आप इसका प्रचार करिए। क्योंकि पानी की समस्या जो है ये दिल्ली वाले नहीं समझ सकते, पानी की समस्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और ये केरल, इस केरल में उतनी नहीं, इस सब बातों में समस्या है। तो मेरा अनुरोध है कि एक अच्छा स्लोगन लेके आप कार्यक्रम चलाइए, जो मैं कहता हूँ लोगों को, लगे तो वो आप ले लीजिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो फिक्स डिपॉजिट, वैसे पानी को डिपॉजिट करिए जमीन के अंदर, कहीं 24 घंटे पानी मिलेगा, कहीं पीने की पानी की किल्लत नहीं होगी, सिंचाई बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, गांवों में रोजगार निर्माण होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, कोई एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 122 से कोई नहीं रहेगा, और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मुझे गडकरी जी आपकी एक बात से एक चीज़ याद आई, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब आपसे हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि दिल्ली कई सारी चीज़ें नहीं समझता है जो वहां पर होती हैं, दिल्ली के लोग खासकर। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि बात क्लियर कर दूं, मेरे अर्थ का गहर अर्थ ना निकले। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा यमुना बहती है और बरसात भी आती है, तो यहाँ क्या है कि आपके यहाँ पानी 8 फीट पे मिल जाता है, मेरे खेत पर 450 फीट पे पानी निकलना पड़ा क्योंकि पानी नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ है और पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है, इस सेंस में मैंने उसको कहा। आपको बिल्कुल मिसकोट नहीं किया जाएगा, कई बार इस चीज से आप बचते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या दिल्ली ये समझ रहा है कि आखिर एक बहुत अच्छी योजना आपने निकाली उसको लेकर जो सड़कें आप बना रहे हैं, उस सड़कों पर युवा आ गए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, बिहार से शुरू होता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ योजना की, ये विरोध को आप कैसे देख रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है इसको लेकर? देखिए पहली बात तो ऐसे कि मैं सड़कों के संबंध में आपको बताऊंगा, केवल दिल्ली में जो NCR क्षेत्र है यहाँ मैं 60,000 करोड़ की सड़कें बना रहा हूँ, और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त होना चाहिए, इस मिशन में काम कर रहा हूँ। और इसका कारण जो ट्रैफिक जाम है उसको दूर करना होगा तो नए रोड बनाने पर, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, यहाँ से 10 मिनट के अंतर पर है, और वहाँ से नीचे से शिव मूर्ति से टनल बनाकर वसंत विहार जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट T3 जाएंगे। फिर मैं दिल्ली से जयपुर रोड जो है उसका अभी 1200 करोड़ का काम, फिर ब्रिजेस वगैरह और काफ़ी काम कर रहा हूँ। फिर दिल्ली में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे लगता है, यहाँ से मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा, सोना से जो रोड का काम काफ़ी पूरा हो गया। फिर दिल्ली से मैं आपको, सब दिल्ली वाले हैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, इस साल दिसंबर एंड तक दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, मैं इस साल इसमें 80% प्रोजेक्ट इस साल दिसंबर के अंदर पूरे हो जाएंगे। और मेरा इसमें एक भी काम अगर नहीं हुआ तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दें। गडकरी जी वहां पर हमारे एक बड़े सीनियर आर्मी के जनरल बैठे हुए, जनरल अनुज माथुर, वो मुझे बता रहे थे कि जयपुर से दिल्ली आने में उन्हें कल बड़ा समय लगा। आपके हाईवे मजबूत थे लेकिन वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर आपको इस विरोध के पीछे क्या दिखता है? देखिए योजना अच्छी है और लोगों ने समझ लेनी चाहिए, और समझने के बाद इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी, इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है, ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसको ठीक प्रकार से लोग समझें और गलत फहमी में ना जाए, इससे इस देश के युवाओं का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और जॉब्स जो है कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे, और लोगों को काम करने का मौका मिले। लेकिन गडकरी जी इसमें एक ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो युवा सड़कों पर हैं वो बोल रहे हैं कि हमको हमेशा ही नौकरी की चिंता रहेगी, अब हम सिर्फ 4 साल की नौकरी कर सकते हैं, जो आप एब्जॉर्ब करेंगे वो सिर्फ 25% है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पूरी योजना सुनी है,
आप एक काम करिए, राजनाथ सिंह जी को एक बार बुलाइए। इस योजना में किसी की नौकरी 4 साल के बाद खत्म होने वाली नहीं है, उसको ये नौकरी आगे मिलने वाली है। मुझे लगता है कि पूरी योजना का डिटेल समझने के बाद अगर कोई विरोध करे तो जरूर ठीक है, पर योजना में जो लोग समझ रहे वैसा नहीं है। ये योजना रोजगार बढ़ाने वाली है और युवाओं का कल्याण करने वाली है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इससे मैं, क्योंकि आपने बोला राजनाथ जी के लिए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, लेकिन एक, क्योंकि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सी ए एन आर सी हो, चाहे वो किसानों को लेकर चीज़ें हों, या आपने जो कानून लेकर आए, चाहे वो ये वाली योजना हो, आप लोग बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। ये बोलते हैं कि जनता को पहुंचाए जाए, उनको समझाए जाए, लेकिन वो चीज़ें परकुलेट नहीं कर पाती हैं, उसके पीछे वजह क्या है? जैसे ये आपने अच्छा फैसला लिया कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आंदोलन हो गया, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दो होती है, और विपक्ष में सरकार ने किए हुए निर्णयों का विरोध करने की मानसिकता होती है, तो लोकतंत्र में यह सब बातें चलती रहती है, और जनता की अदालत में जो कॉमन मैन रहता है वो इसके ऊपर अंतिम निर्णय फैसला करता है। और आज तक हमारा अनुभव यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने हमारे नीतियों का स्वागत किया, हमारा समर्थन किया, और निश्चित रूप से हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमने कोई निर्णय उनके विरोध में नहीं लिया है, किंबोना हमारी सरकार ने पिछले 50-60 साल में जितना गरीबों के लिए काम नहीं हुआ, उतना हमारे 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अच्छा काम करके दिखाया है, और निश्चित रूप से आम जनता के मन में ये बात पहुंची है, इसीलिए चुनाव में जीत भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और जनसमर्थन भी होता है। ये लोकतंत्र का तकाजा होता है कि आंदोलन करने का अधिकार भी विपक्ष का होता है, तो कभी कभी कुछ गलत फहमी से, जब कन्विंस नहीं हो सकता तो कन्फ्यूज करो, इस बात से कभी कभी ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं, पर जब वो समझ लेते हैं तो वो शांत। आपको इसके पीछे एक पॉलिटिकल हैंड ज़्यादा दिखाई देता है? मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है। ठीक है, परंतु मुझे विश्वास है कि इन सब बातों के ऊपर सरकार की भूमिका युवाओं के हित में है, गाँव, गरीब, मजदूर, किसानों के हित में है, देश के कल्याण में है, और हमारी सरकार हर समय समाज के सभी लोगों के हित को ध्यान में लेकर ही नीतियाँ बनाती है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छी सफलता भी मिली है। अब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपसे एक इंटरव्यू हुआ, उसमें आपसे बातचीत में ये आपने बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उससे अफेक्टेड है। आपको लगता है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? देखिए, जितने लोग हैं उतनी समस्या है, समस्याओं की कमी नहीं है, पर मैं अक्सर एक बात, मैं भी काम करता हूँ, मुझे अड़चनों की कमी नहीं है, पर मैं अक्सर एक बात ध्यान रखता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इंटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इंटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में स्वीकार करो। और दूसरी एक बात, मुझे आपका आज की थीम बहुत पसंद आई। मैं विद्यार्थी था जब काम करता था, तो काम करते करते चुनाव हारते थे हम लोग, कोई जीतते ही नहीं थे, जो चुनाव लड़ते वो हारते थे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक किताब प्रेजेंट की, वो बड़ी विचार करके दी, वो रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी, और उसने कहा कि नितिन तुम ये पढ़ो। तो वो IIT का उस समय स्टूडेंट था, मैं जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक सुंदर वाक्य लिखा था। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वाटरगेट के कारण, अब वो इतिहास बहुत पुराना हो गया, उनको वॉशिंगटन में एक एरिया में लोगों ने रहने के लिए भी मना कर दिया। तो उस समय उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी थी, उसमें एक सुंदर वाक्य था। वो वाक्य ये था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तो अब समाप्त होता है। अब समस्या किसके पास नहीं है, TV9 को नंबर एक करना है तो रोज नंबर दो वाला आपके लिए लगड़ रहा है कि मैं नंबर एक कैसे बनूं, TRP एक दूसरे की छीनने की कोशिश होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो समस्याओं का सामना नहीं कर रहा? लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम,
तो प्रॉब्लम को डरते न डरते हुए हिम्मत के साथ उसके ऊपर मात करके आगे जाना ही जिंदगी है, जिंदा दिली उसी का नाम है। और इसलिए क्राइसिस होते रहेंगे, समस्याएं बढ़ती रहेगी, हम चलते रहेंगे और आखिरी में हम जीतेंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के दिखाएंगे। ये हमारी पॉजिटिव इच्छा शक्ति और विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। आपने हमारे टॉपिक एक बात और भूल जी, गया जी, जी। कि जैसे इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, शिक्षा पद्धति, ये जैसी हमारी स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, वैसे इसके साथ दो चीज़ों को भी आप आग्रह से जोर दो, वो है नॉलेज एज ए पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो एक बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी सेवी हो और नॉलेज के साथ आगे जाए। दूसरी थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगा कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट विजन दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो ये दो बातों के आधार पर हमको देश को आगे ले जाना है और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान एक तरफ सब इतिहास, संस्कृति, विलासरत को लेकर आगे चल रहा है जो हमारी विशेषता है, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमारी अध्यात्म को, हमारी स्पिरिचुअल विज्ञान को, और दूसरी ओर हम लोग इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, हम चंद्रयान पर जाए चंद्रयान करेंगे, हम लोग सैटेलाइट छोड़ेंगे, हम लोग नई फ्यूल तैयार करेंगे। अभी वर्ल्ड में झगड़ा क्या है, तीनों बातों का है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। अब हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हर चीज में जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना देश में तैयार करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है तो इंटेल कंपनी के चेयरमैन, उनके साथ वैष्णव जी और मैं और राजीव चंद्रशेखर मुलाकात हुई, तो मैंने उनको जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेरे पास काम है, मैंने कहा ये 6.5 लाख की, ये 15 लाख करोड़ की 2024 तक होगी, पूरे दुनिया में हमारे देश से ऑटोमोबाइल पूरा एक्सपोर्ट होगा, इतने सेमीकंडक्टर लगेंगे, आप यहाँ एक्सपांशन करो। तो जहाँ जहाँ शॉर्टेज है वो हम तैयार करेंगे, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका विकल्प ढूंढेंगे और हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाकर नए रोजगार निर्माण करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, रोजगार के निर्मिति करेंगे और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के साथ, अध्यात्म स्पिरिचुअल साइंस के साथ, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के साथ, हम दोनों के संबंध में के साथ विश्व गुरु बनेंगे। जो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी, जो मैंने नहीं कहा था, उनने कहा था कि 18वीं सदी जो होगी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जब आई तो सब तरफ यूनियन जैक अंग्रेजों का राज्य था, जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका सुपर इकोनॉमिक पावर बनी, और जब 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की होगी और भारत की होगी। और मैं विश्वास से साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से सुपर पावर आप बनने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इस सुपर पावर बनने में कई सारी अड़चने भी हैं। जैसे आपने थोड़ी बहुत देर पहले जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी की एक और योजना है, एक और उनका बहुत बड़ा ड्रीम है, नेट एमिशन, जीरो एमिशन को लेकर 2070 का टारगेट है। शिकागो जो पॉलिसी रिसर्च है एनर्जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल उम्र कम हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फ्यूल सेकेंड फैक्टर जो आपने जिक्र किया, हम इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मैं इसी विषय जो मेरी आस्था का है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बोला था कि आप, मैं अक्सर इस पर बोलता हूँ, तो उनने कहा था कि आप इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके हमें दो, तो मैंने वो तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन की कॉपी शायद मैंने दी है, तो मैं फिर से आपको दूंगा। मैं छोटी बात बताता हूँ, प्रदूषण 3 प्रकार के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। पहले आप एयर पोल्यूशन में जाए, दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल डीजल का। अब हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे, इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रहे, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ला रहे, इलेक्ट्रिक बस ला रहे, और आज आप मुझे बताते, खुशी हो रही, इसी होटल में मैं जब आता था और बोलता था तो मुझे सवाल पूछे थे, फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर बैटरी कहाँ से आएगी, वो देश में बनती क्या। अब
देश में विद्वानों की कमी नहीं है, तो सवाल पूछने वाले बहुत थे। कब तक आपको लगता है कि अब आपको मैं बता रहा हूं, अब कार फोर व्हीलर के लिए वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक, और मेरे घर पे चिट्ठी मांगने के लिए आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी देने के लिए आप पत्र दो। लेकिन सर वो उनका पेनिट्रेशन खत्म कर दूं, मैं थोड़ा आपको इसका समझू इलेक्ट्रिक। फिर अभी पेट्रोल का, मैं 5 साल में पेट्रोल को इस देश में, ये मेरा इच्छा है, मैं हो पाऊंगा सक्सेस या नहीं बता पाऊंगा। मैंने क्या किया कि इथेनॉल तैयार हुआ अभी देश में, किसान तैयार कर रहा है, शुगर केन जूस, मोलाइसिस, बीएबी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, फिर ब्रोकन राइस से बनता है। अभी तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमेन इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो रहा है, तो परली से इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल की इकोनॉमी अब आगे जा रही है, अभी 450 करोड़ इथेनॉल तैयार हो रहा है, 2000 करोड़ तक जाएगा। अब मैंने नई बात लाई है जो दिल्ली का पोल्यूशन कम करेगा, और आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि 3 महीने के बाद जब गाड़ी खरीदना है तो इलेक्ट्रिक की खरीदे या फ्लेक्स इंजन की खरीदी गई। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है जो टोयोटो, होंडा, सुजुकी, बजाज, हीरो, टीवीएस, सब टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा सब इसमें आ रही। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर, है आधी प्राइस में मिलेगा। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। मैंने रशिया में देखा और वो साइंटिस्ट ने कुछ किया, उनको मैंने इंडिया में बुलाया। मैंने उनसे स्टडी करने के बाद मैंने हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब को और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और इनके फरीदाबाद के लेबॉरेटरी के राम कुमार उनको बुलाया और उनको उनकी मुलाकात करके दी। सब ने मुझे कहा ये इम्पॉसिबल है। अब फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने 3 महीना प्रयोग करके पूरे टेस्ट की और उन्हें सर्टिफाई किया कि यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है, यानी जितना पेट्रोल का एवरेज मिलेगा उतना इथेनॉल का मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। अब टीवीएस की स्कूटर बाइक आ गई, बजाज की स्कूटर बाइक ऑटो रिक्शा आ गई, हीरो की स्कूटर आ गई। अब 120 रुपये पेट्रोल लेने कर प्रदूषण करने के बजाय 60 रुपये लीटर का इथेनॉल वाली बाइक खरीदी करी है। कार में अब एक टोयोटो कंपनी है, उनकी एक केमरी करके गाड़ी थी जो पेट्रोल पे चलते चलते 60% पेट्रोल पर और उसी से 40% बिजली तैयार करती थी। अब टोयोटो नई गाड़ी ला रहा है, वो ऐसी है कि 100% इथेनॉल, नो पेट्रोल, और उसमें से 60% इथेनॉल पे चलेगी और 40% बिजली। लेकिन अब आपने एक चीज़ बोली है तो मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करूंगा। आपने टोयोटा की गाड़ी का जिक्र किया, GST उनके ऊपर इतना बढ़ा दिया हाइब्रिड कार्स के ऊपर कि उनको वो गाड़ी बनाना बंद करना पड़ा। उनकी प्रयास गाड़ी थी वो बनानी बंद करी क्योंकि GST इतना ज़्यादा उसके ऊपर हो गया। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा है जहाँ तक मुझे याद हो, लेकिन कुछ वेलकमिंग चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। सुधार देता हूँ, पेट्रोल गाड़ी पर 48% GST लग्जरी कार पर और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 5% है, 12% या 5% कुछ मॉडल देख के आया। तो पहली बात तो ऐसी है कि वो GST जितना उसके ऊपर है, पर अभी जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मैं पहले 20,000 से 25,000 रुपये मैंने पेट्रोल पे खर्चा करता था, अब मेरा इलेक्ट्रिक का खर्चा 1,500 रुपये बना हुआ। तो मुझे बताओ 18,000 रुपये महीने का सेविंग हो गया। आप जितने लोग पेट्रोल की गाड़ी यूज़ कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक की लो, और मैं 1 साल के अंदर, मेरा ये प्रयास है और मेरा प्रयास भी है कि 1 साल के अंदर पेट्रोल के गाड़ी के बराबर इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत हो जाएगी और फ्लेक्स इंजन की भी कीमत हो जाएगी। ये वेलकम, नेचुरली आपको कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इधर फ्यूल में सेविंग हो जाएगा। वेलकम। एक छोटा सा बात रह गया जो दिल्ली की बात पूछी कि फ्यूल को हम बदलेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। परली का यूज करेंगे जो लाते उसमें CNG LNG परली से बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे तो कम हो जाएगा। फिर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी मैंडेटरी करनी चाहिए ताकि सीमेंट और ये इधर उधर नहीं जाएगा। और दिल्ली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने परली को जलना बंद किया और ये जो डीजल और पेट्रोल अगर कम हो गया और ग्रीन फ्यूल आ गई तो दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल कम हो जाएगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्ति होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो उस प्रकार से प्रयास जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए और ध्वनि प्रदूषण के लिए करना। अब एक छोटी बात बताता हूँ, अभी एक रिसर्च हुआ है जी कि कुछ स्पेसीज ऐसी है कि जो आप लगाएंगे तो वो CO2 को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं CO2 में भी वैल्यू एडिशन करने की टेक्नोलॉजी आई है और आपको बता दूँ, आपको ये होटल से 2 मिनट के डिस्टेंस पर ये धौला कुआ है। मैं दिल्ली के लिए बहुत नया हूँ,
मैं नागपुर से आता था हवाई जहाज से 1 घंटा 20 मिनट में, और धौला कुआ में 1 घंटा ऊपर देखता था, यही ट्रैफिक जाम होता था। तो मैंने हमारे लोगों को कहा यार इसको प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं सर बोले ये रोड हमारा नहीं है, हमारा रोड ब्रिज जहाँ रुकता है ख़त्म होता है, हमारा NHI ख़त्म होता है। बोला हम नहीं कर सकते। बोला ऐसा तुम नहीं कर सकते, इधर आओ। मैंने ये ताज मानसिंह तक, ताज पैलेस तक बढ़ा दो NH को, लाओ फाइल इधर। मैंने ताज पैलेस तक NH बढ़ा दिया और अपने पैसे से ये पूरा जाम जो है वो सॉल्व किया। आज आप यहाँ से स्मूथली जा सकते हो। इसके एक स्पॉट के कारण कितना प्रदूषण कम हुआ। अब एक बात छोटी सी रह गई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और LG को मैंने कहा है, एक पुलिस स्टेशन है कोने पे, मैंने कहा ये पुलिस स्टेशन तोड़ डालता हूँ और बाजू में मैं अच्छा बना देता हूँ 2 मंजिले का, वो रोड को अगर बड़ा को तो उधर का भी जो रिंग रोड पे जाता है ट्रैफिक वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक जाम एक जगह सॉल्व हो गया तो कितना प्रदूषण कम हो गया। फिर दिल्ली का पेरीफेरियल रोड बनेगा, जैसे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल से ट्रैफिक दिल्ली के बीच में आता था, राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात जाता था, अब पूरा पेरीफेरियल रोड बनाया। अब वो क्या हुआ कि कोई दिल्ली से राजस्थान, कश्मीर से राजस्थान और कई बाहर के बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक नया प्लान बनाया जिसके ऊपर अलग कार्यक्रम करो, आप तो LG को दिया है। गडकरी जी, अब मैं दिल्ली में, क्योंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली में एक और पोल्यूशन की बात करता हूँ, वो है जो पोलिटिकल पोल्यूशन है और जिस पर मैं चाहूँगा आप थोड़ा टिप्पणी करें। सबसे पहला सवाल है, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े ही ऐसे बयानात देते हैं जैसे कि पूरा माहौल पॉल्यूटेड हो जाता है। आपको लगता है ये ज़रूरी था कहीं ना कहीं? दे आर गेटिंग अ फ्री हैंड जिससे वो बच के निकल जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा पड़ गया, लेकिन देर हैज़ टू बी समथिंग विच हैज़ टू बी डन। देखिए, मैं शुद्ध हवा में रहता हूँ, ना पोल्यूटेड हवा में जाता हूँ ना पोल्यूटेड इस बात में बात करता हूँ। तुम भी शुद्ध हवा लो, मुझे भी लेने दो, पोल्यूशन की चर्चा भी मत करो, तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करता, खुशी से रहो। लेकिन उससे प्रदूषण जाएगा तो नहीं गडकरी साहब, जाएगा तो नहीं उससे? देखो, मुझे एक ने अच्छा बताया, दो रेशा है, एक अपनी और दूसरी है। तो अपनी रेशा बड़ी करने के 2 मार्ग हैं, दूसरी की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मैं अक्सर कहता हूँ अपनी बड़ी करो पॉजिटिव वे से, बाकी लफड़े लोचे में मत पड़ो। मैं अपने काम को फोकस करता हूँ, कौन क्या कह रहा, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या लिख रहा, कौन क्या दिख रहा, उसका उसके बराबर नहीं। अपने को जो काम करना है वो करते जाओ, आगे शुद्ध हवा में रहो। क्या ये सारी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करती हैं? क्या ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट नहीं करती हैं? क्या ये सारी चीजें आपकी सरकार को अफेक्ट नहीं करती हैं जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं? सर, ये सालों से ये बातें चलती आ रही है। मुझे एक कवि थे, मेरे मित्र थे महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये देश ऐसा है जो प्रवचन और कीर्तनों से सुधरा नहीं और तमाशा से बिगड़ा नहीं। तो उनकी कविता बहुत सुंदर है, रामदास पुटाने करके मराठी के कवि थे, MLC थे हमारे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत सुंदर कविता व्यंग्य है उनका। तो आप ऐसा करो, आप भी शुद्ध हवा लेते जाओ, प्रदूषण को छोड़ते जाओ। सर, आपने क्योंकि प्रदर्शन और तमाशे की बात की है, एक प्रदर्शन जो हम बहुत देख रहे हैं और आपकी बनाई सड़कों पर देख रहे हैं वो है कांग्रेस का राहुल गांधी जी को लेकर। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? खासकर उनका ये कहना है कि ये बड़ा विंडिक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे से मेरी बात करिए। मैं दूसरों की बात सोचता भी नहीं, देखता भी नहीं और करता भी नहीं। एक दुर्भाग्य से एक ऐसा हुआ है कि मेरा घर जो है वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के बीच में है और मेरे घर से रास्ता कांग्रेस पार्टी के कार ले जाता है, तो रोज वहां मेरे घर पे आने वाले लोगों को आने नहीं देते, बंद हो गए। तो वही तकलीफ मेरे को, बाकी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस स्टेट से आपका ताल्लुक है, उस स्टेट की अगर मैं बात करूं, और आप उस परिवार के बहुत क्लोज हैं, मुझे याद है वो इंटरव्यू, मैं फिर से रेफरेंस ले रहा हूं आपको, जब आपने बताया था मुझे कि किस तरीके से आपने दोनों भाइयों को क्लोज लाने की कोशिश की थी ऑन रिकॉर्ड, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या ये समझा जाए कि शिवसेना जो कि आपका सबसे पुराना अलाय था और आज आपका सबसे कहा जाए स्टॉन्च विरोधी हो गया है, उसके साथ हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए? आजकल मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा जाता ही नहीं और राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, तो पहले मुंबई, नागपुर से मुंबई ज़्यादा जाता था, आजकल मेरा मुंबई जाना ही बंद हो गया है। तो मुझे ज़्यादा राजनीति की वहाँ पता सर, लेकिन अभी तो आप मुझे अमरावती और अकोला के हाईवे के जिक्र कर रहे थे हमारे साथ, महाराष्ट्र तो वहाँ भी अभी गया नहीं। अभी मुझे
वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी है, तो डिलीट लेने के लिए शायद मैं अब पहली बार उधर जाने वाला हूँ, तब वो रोड देखूंगा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो ट्रैवल करते हैं, मैं जानना चाहूँगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर क्या आपको लगता है कि कोई कंसेंसस बन सकता है, क्या ऐसा लगता है आपको बन सकता है? देखिए, मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर बढ़ रही है और जनता का जो समर्थन हासिल हुआ है, तो निश्चित रूप में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग और सबका प्रयास, ये हमारी भावना है। और राजनाथ जी और नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सब लोग मिलकर यूनैनिमसली निर्णय हो, और इसमें सफलता मिलाने के लिए राजनाथ जी और नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना है। यही मेरा कंसर्न था आपसे, क्योंकि अभी जो राजनीतिक कटुता है उसके बीच में ये एक ऐसी पोस्ट है, कम से कम इस पर तो सब लोग एक साथ आए, क्या आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है? वैसे ऐसा हो सकता है? प्रयास तो हो रहा है, और हर प्रयास के समय मन पॉजिटिव रखना चाहिए। आरिफ खान साहब, उनका नाम सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो एक चॉइस कैंडिडेट हो सकते हैं दोनों की तरफ से? इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी, सबकी सहमति से इसका निर्णय होगा, और वो निर्णय करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री उनका है, और सबसे विचार विमर्श करके उचित समय पर उसका निर्णय होगा। मैं आपके ही डिपार्टमेंट की तरफ आता हूँ, आपने बहुत अच्छी एक प्रयास किया फास्ट टैग का, लेकिन अब आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी की गलत गाड़ी पार्क होगी तो कोई दूसरा 500 रुपये का उसको इनाम मिलेगा अगर वो फोटो खींचता है, आपको लगता नहीं इससे थोड़ा सा खतरनाक मामला इनकरेज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जोड़ रहे हो, मुझे करेक्ट कर दीजिए सर। हाँ, प्लीज। हाँ। आपको मैंने दूसरी बात कही, मैं दिल्ली वालों से मेरी एक शिकायत है और यहाँ बैठे हुए लोगों से थोड़ा माफ़ करें मुझे, ये बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते, और गाड़ी का पार्किंग नहीं करते, गाड़ी रोड पर खड़े करते हैं। तो मेरे को ये बात का दुख है, भाई तुम अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो तो अंडरग्राउंड पार्किंग ही बनाओ चार गाड़ियों के लिए, तुम्हारी मर्सिडीज, तुम्हारी BMW रोड पर खड़ी, जैसे हमने इनके लिए पार्किंग बनाया, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि ये विशेष स्टेट एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो पूरा भारत सरकार भी कानून नहीं बना सकती, पर मैं स्टेट गवर्नमेंट से विचार विनिमय कर रहा हूँ कि इस प्रकार से रोड का उपयोग पार्किंग के लिए जो कर रहे हैं, उसमें ऐसा एक कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति फोटो निकाल ले और वो गाड़ी उस समय कहाँ खड़ी थी, और अगर वो रोड पर खड़ी है तो उसको समझो 1000 रुपये का फाइन लगाया जाता है, तो 500 रुपये फोटो निकालने वाले को मिले और 500 रुपये सरकार को। तो इसके बहाने तो भी लोग कम से कम पार्किंग बनाएंगे और सुधार होगा, ये मैंने कहा नहीं, लेकिन पर ये राज्य सरकार को कन्विंस करके करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इससे अब सारे फोटो खींचने वाले ही ज्यादा इनकरेज हो जाएंगे रोजगार पार्किंग बनाने वाले काम पर थोड़ा? जो कानून तोड़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से अगर फाइन होगा तो सुधार होगा, और जो बेचारे खाली घूम रहे उनको रोजगार नहीं, उनको 500 रुपये मिलेंगे, उनको काम मिल जाएगा। एक आपके पहले टर्म में आपके पास जहाजरानी मंत्रालय भी था, आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, वो था वाटर हार्बर्स का। अब वो मंत्रालय आपके पास नहीं है, आपको लगता है उस पर अभी भी काम चल रहा है? क्योंकि वो हम लोग सब लोग उसको देख रहे थे कि वो एक बड़ा अच्छा मंत्रालय, एक बहुत अच्छी प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए, जलमार्ग ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर रोड से जाने के लिए 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो जलमार्ग से जाने के लिए 1 रुपया लगता है, और इसलिए हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है, चाइना में 8% है, और हमारी जो ज़्यादा है उसको कम से कम 6% अगर कम करना है तो हाईवे बड़े बनाने पड़ेंगे, वाटरवेज बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको खुशी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर जलमार्ग बनाया है, वो मेरे का समय मुझे मिला कर मनाने का मौका मिला, वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर, चार जगह मल्टी मॉडल हब बना है, लगभग वो सब पूरे हुए हैं, 40 रिवर पोर्ट बने हैं। फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने अलाहाबाद प्रयागराज तक वाराणसी को जोड़ दिया है। फिर मैंने एक मेरी कल्पना थी कि पानीपत सोनीपत से ये यमुना जो है निकलती है, पानीपत सोनीपत से जलमार्ग शुरू होगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज होगा,
तो पंजाब हरियाणा का माल डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जाएगा और इधर बहुत प्रगति होगी, एकदम फायदा होगा। अब उसमें मेरी ये भी कल्पना थी कि MPBS सी प्लेन ये दिल्ली से उड़ेगा और 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेगा, ताजमहल देखेंगे एक घंटे में, फिर प्लेन में बैठेंगे, 15 मिनट में दिल्ली आएंगे और आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो मैंने इसके सैंक्शन ले कर रखे थे, ये प्रोजेक्ट को केवल वर्ल्ड बैंक को सबमिट करना था और मैंने दिल्ली के यमुना के पोल्यूशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को उस समय नमामि गंगा में दिए थे और दिल्ली के ये मथुरा के फ्रंट पर ये सिंगापुर में एक बहुत बड़ा रिक्लेमेट करके गार्डन बनाए, वैसे 800 हेक्टर का वर्ल्ड का बड़ा गार्डन बनाने का भी प्लान दिल्ली के LG के साथ करके मैंने बनाया था, पर अब डिपार्टमेंट अब मेरे पास नहीं, उसका आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब एक और चीज़ जो हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस सेक्टर को देखते हैं वहाँ पर पहले एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसके अपने लिमिटेशंस हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है पोस्ट कोरोना और अब जो क्राइसिस आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ख़ासकर उस लेबर की जो कि रूरल सेक्टर में है, उस लेबर की जो कि वाइट कॉलर है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, अगर देश में रूरल और एग्रीकल्चर में बिहार और UP जैसे में अगर कम से कम 500 इथेनॉल के प्रोजेक्ट खोलेंगे तो किसानों को फायदा होगा और वहाँ लड़कों को रोजगार मिलेगा। नहीं, लेकिन सर वो एग्जीक्यूट हो पाएगा उस लेवल पर? देखिए, जैसे अभी आपने एक मंत्रालय का जिक्र किया, मैं आपको थोड़ा सा वो पास ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक आंसर देता हूँ। इस देश में 22-24% GDP कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52-56% सर्विस सेक्टर से है और 10-12% एग्रीकल्चर से है। अब अगर एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करके एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो MSMEs खुलेंगी तो जो 122 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें रोजगार निर्माण होगा, उसमें ग्रोथ रेट बढ़ेगा और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल और फॉरेस्ट सेक्टर को हम बढ़ा रहे हैं। फिर हम टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, जैसे टूरिज्म में 46% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट खड़ी करती है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हम लोग ऑल सीजन रोड बना रहे हैं तो लोग साल भर बद्रीनाथ जाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। अभी हम लोग मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं, हम इधर विशेष रूप से बुद्ध सर्किट का रोड अभी लगभग 20,000 करोड़ का बना रहे हैं, फिर अयोध्या में 20,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। अब इसके सबके कारण महाराष्ट्र में देहू पंडरपुर, आलंदी पंडरपुर, पालखी मार्ग बना रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा कि रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कई जाकर हिल स्टेशन पर जाने के लिए रोड अच्छे बनने से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म से बहुत बड़ा रोजगार बढ़ेगा। अभी आपको बताओ, इस साल बहुत बड़े प्रमाण पर लोग नॉर्थ ईस्ट गए हैं, क्यों गए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के रोड अच्छे बने, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा। तो मुझे लगता है कि हमको रोजगार की निर्मिति करनी चाहिए और ऐसी इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए जो देश में रोजगार निर्माण करेगी, देश की गरीबी दूर करेगी और देश की ग्रोथ को बढ़ाएगी, और वही हमारी नीति है, उसका परिणाम दिख रहा है। एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि अब अर्बन मनरेगा के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि हम जिस तरीके से रिट्रेंचमेंट देख रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं उसका वक्त आ गया है? बिल्कुल नहीं लगता, आप बोल रहे हैं उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उसका मैं क्या जब आपको बता रहा हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हम स्किल एक मिनट मैं आपको जवाब देता हूं। अभी हमारी टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 6,500,000 करोड़ की है, देश को सबसे ज्यादा GST देने वाली इंडस्ट्री है, 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली है, और मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 के अंदर ये 6,500,000 करोड़ की इंडस्ट्री को मैं 15,00,000 करोड़ की करने की योजना बना रहा हूं, ताकि वर्ल्ड में लगने वाली कार, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स सब हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होगी, एक आधी कंपनी छोड़कर सब वर्ल्ड के ब्रांड यहाँ उपस्थित है और सब मुझे बताते हैं, अब सुजुकी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, टोयोटा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, हमारी बजाज, TVS और हीरो 50% ऑफ टू व्हीलर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। अब मैं इसको अगर 2025 तक, मेरी कोशिश है कि अगर ये 15,00,000 करोड़ की बनेगी तो 3 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे और देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को GST देने वाली इंडस्ट्री है। तो हमारे ऐसे नरेगा की बात आप करें उसके बजाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करें, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाएं, हम नए रोजगार का निर्माण करें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाए,
हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करे, नई टेक्नोलॉजी को लाए, लिथियम आयन बैटरी के बजाय एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, अब एल्यूमिनियम प्लेट की टेक्नोलॉजी आई, अब ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी लाई, हम ऊर्जा आयात करने वाले नहीं ऊर्जा निर्यात करने वाले बने, हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, तो ये सब बातों से तो रोजगार तैयार होने वाला है। एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल ये है, और वो हालांकि हम ऐसा नहीं है कि टॉप 3 या 4 में आते हैं, लेकिन भारत में रोड एक्सीडेंट एक बहुत चिंता का विषय है। सेफेस्ट रोड्स, इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए ये बात सच है कि मेरे डिपार्टमेंट में एक ही विषय जिसपे ऊपर मैं समाधानकारक काम नहीं कर सका, ये कबूल करते समय मुझे संकोच नहीं है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3.5 लाख मौतें होती है, 2.5 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम की है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया हमने, रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया है, इसमें एजुकेशन, जो लोगों का सहयोग चाहिए, अगर सिग्नल होने के बाद भी जाएंगे स्कूटर घुसा देंगे तो क्या होगा, फुटपाथ बनाने के बाद भी रोड से चलेंगे तो क्या होगा, रेड सिग्नल होने के बाद भी गाड़ी घुसा देंगे तो क्या होगा, तो एजुकेशन लोगों का करना, रूल्स ऑफ द रोड के इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दूसरी ओर इमरजेंसी में अगर एक्सीडेंट होते तो आजकल सब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पेट ट्रांसप्लांट हो रहा है, सब ऑर्गन्स हो रहे हैं, तो हमको आने वाले समय में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में भी सोचना होगा, और सब लोगों के सहयोग से हमको कम से कम 50% डेथ और 50% हमारे एक्सीडेंट्स को कम करने का टारगेट मैंने तय किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें जितना काम खूब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर सफलता जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। आप सबके सहयोग से इसमें रोड सेफ्टी में आप भी मदद करिए, निश्चित रूप से लोगों के सहयोग से इसमें सफलता मिलाने की हम कोशिश करेंगे। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन गडकरी जी का पर्सनल या पॉलिटिकल एम्बिशन अब क्या बाकी है? मैं एम्बिशन लेस व्यक्ति हूँ, मैंने कभी किसी को हार नहीं डाला और मेरा बायोडाटा नहीं छपा। अभी तो लोगों को भी मैं कहता हूँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं हूँ, आपकी सेवा करने की कोशिश की, आपके आशीर्वाद मिले, जब तक आपको अच्छा लगता है मुझे वोट दीजिए, जब तक नहीं आपको बदलना है तो बदल दीजिए। मैं 90% सामाजिक काम करता हूँ, 10% पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इथेनॉल, बायोफ्यूल, अलग अलग प्रकार का, आप मेरा काम देखने के लिए आइए। अब तुम्हारे दिल्ली वाले मुझे उद्योगपति बोलते हैं। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अगर रोड और ब्रिजेस और टनल बनाता तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता। मेरा सोच ये है कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मैं अपना घर परिवार सुरक्षित रखकर ईमानदारी से काम करके मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी, मैंने 50 लाख करोड़ रुपए के काम अभी तक 7 साल में अवार्ड किए हैं, और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक ये कह सकता हूँ छाती निकाल कर कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि जिसको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेरे घर आना पड़ा। टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री काम करने की हमने कोशिश की है। बहुत कुछ काम हुआ है, कुछ होना बाकी है। हम और मेहनत करेंगे, काम करते रहेंगे, देश के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए काम करेंगे, और इस देश को आपकी जो थीम है विश्व गुरु बनाने की, वो विश्व गुरु बनाने की एक छोटी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर है समझकर रात दिन काम करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा भाव है। मैं बस यही इन्फ्लुएंस निकालूंगा कि जैसे शुरू किया था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़ते हुए और सेवा करें और थोड़ा पॉलिटिकल और कमेंट करना शुरू करें, वो पार्ट हम आपका मिस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी जी। आपको एक आखिरी में बात बताऊं, प्लीज आप थोड़ा इसको प्रोपोगेट करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण। राजनीति का अर्थ है लोक नीति, धर्म नीति और समाज नीति। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब मीडिया में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसने क्या कहा, उसको क्या कहा, दिन भर डमरू बजाते रहते हो, हम टीवी बंद कर देते हैं। सर लेकिन अब इसमें तो विरोध नीति भी आ गई है। देखो आप एक बात करो, सत्ता कारण अलग है, समाज कारण अलग है। समाज कारण का नाम भी राजकारण है, राष्ट्र कारण का नाम भी राजकारण है, विकास कारण का भी नाम राजकारण है। आप केवल पावर पॉलिटिक्स की, सत्ता कारण की बात करते हो, आप समाज कारण की बात को प्रायोरिटी दो,
देखो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, बाकी तो है हर जगह पर भौंकने वाले रहते हैं, दौड़ने वाले रहते हैं, चलने वाले रहते हैं। जो अच्छा दिखता वो देखो, जो गांधी जी ने कहा अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, बुरा होगा वो मत सुनो, आगे चलते जाओ। गडकरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।